Okay, so Abhim, congratulations for getting selected in prestigious ISRO and thanks for giving your time for this interaction. Thank you so much, sir. Okay, so Abhim, ISRO is one of the dream jobs for so many technocrats और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया का प्रीमियम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड में इसका नाम है, तो इसमें सिलेक्ट होने के बाद आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत ही खुशी हो रही है और मतलब मेरे लिए एक ड्रीम जॉब थी सर ये, सिंस वाज आउट इन अक्टूबर 2019 मेरा मतलब सारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, बट मेरा जो मेन एम था वो इसरो ही था और सर फाइनली सारे लोगों की बधाई आई और my father is literally on cloud 9 after getting selected in ISRO and my mother father receiving so many call from the relatives which they haven't talked since like 2-3 years so I am very happy so sare relatives khush hain aur aapke parents are having tears of joy to bahut acha hai ye moment you should cherish Abhim kyunki ye moment bahut acha hota hai kisi bhi bacche ke liye jo parents ko proud feel karwate hain right So, मेरे को ये पता है अभियम कि आपका कोल इंडिया में भी सिलेक्शन हो गया था और अभी आप कोल इंडिया में ही हैं एंड प्रेजेंटली यू गॉट सिलेक्टेड इन आईएसआरओ आल्सो सो अभियम इससे पहले कि आगे प्रोसीड करें मैं आपसे थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड आप कहाँ से बिलोंग करते हैं कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया किस ईयर में ग्रेजुएशन किया थोड़ा सा ये हमें बताएं आप There is a college in my hometown and it is a quite prestigious college around this region. It is a semi-government college named as Dayalbagh Educational Institute. So I did my graduation in mechanical engineering and I passed out in the year 2019. Okay. And sir, in terms of placement wise also, the college was quite good because students were getting average package of 6 LPA in mechanical engineering, which was compared to other college, not comparing to IITs, but compared to other colleges was quite good. And so I appeared for 3 placement interviews and I didn't get selected in them. And so I got very, very much disappointed and my confidence was broken down. So when I give GATE in year 2019 along with my final year, my GATE rank was also not very good. It was around 5,000. Okay, so अभी जो आपने अभी हम बताया कि आप दयालबाग कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग किया और वो आगरा में कॉलेज है और आपके कॉलेज में प्लेसमेंट हो जाता है मैकेनिकल का आपने बताया 6-7 lakh का प्लेसमेंट है आपका ब्रांच में आपका पोजीशन क्या था आपका रैंक क्या था और का सीजीपीए वगैरह कितना था सर माय रैंक वाज वेरी इन द लास्ट सेमेस्टर मैंने पूरी कॉलेज में टॉप भी किया था और मेरा ओवरऑल परसेंटेज जो कॉलेज में बना था 93.1 बना था ओवरऑल मेरी रैंक थर्ड रैंक रही थी बट स्टिल आई गॉट आई डिडंट गेट प्लेसमेंट सो आई वाज वेरी मच आपकी कॉलेज में थर्ड रैंक था और आपका 90 प्लस आपका परसेंटेज में डिग्री हुई और 3 प्लेसमेंट्स में ट्राई किया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो अच्छा हुआ था बुरा हुआ था सर अभी मैं बात करता हूँ सब मुझे ये बताते हैं कि अगर इफ आई गॉट सिलेक्टेड इन देयर तो मैं वहीं पे अटक जाता मैं लाइफ में कुछ और नहीं कर पाता मतलब आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि जॉब के संग सर तैयारी करना बहुत डिफिकल्ट होता है और सर फिर एक जो एम होता है ना कि अभी पैसे हाथ में आ रहा है तो सर लोग ट्राई भी नहीं करते जॉब छोड़ना मुश्किल होता है और जॉब के साथ तैयारी करना भी मुश्किल होता है तो मेरे को अभी हम वो स्टोरी याद आ रही है अब्दुल कलाम साहब की कि जो पायलट बनना चाहते थे लेकिन उनका 9 बच्चों को लिए शायद उनका 10th रैंक था और डिसअपॉइंट हुए फिर द रेस्ट इज हिस्ट्री यू बिकेम साइंटिस्ट एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो यू नेवर नो कनेक्टिंग द डॉट्स पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको लगता है कि जो हुआ था अच्छा हुआ था उस टाइम पे आपको फ्रस्ट्रेशन होता होगा कि साहब कम मार्क्स वाले बच्चों को नौकरियां लग रही हैं और मैं मेरी जॉब नहीं लग रही है बट आज आप देख रहे हो आपने कोल इंडिया लिया है और अब इसरो में आप जाने की ट्राई कर रहे हैं एक महारत्ना कंपनी है और दूसरा जो इंडिया का प्रेस्टीजियस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेस्टीजियस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ओके दैट्स ग्रेट सो वी कैन कंक्लूड के जो होता है अच्छे के लिए होता है लाइफ में दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट अभी मेरे को ये बताइए कि आप आपने जब गेट लिखा आपने बताया 2019 में लिखा और उसमें रैंक आपका अच्छा नहीं आया तो 20 में भी आपने लिखा होगा आई प्रेज्यूम यस सर मैंने 2019 पास आउट करने के बाद फुल फ्लेश प्रिपरेशन की थी क्योंकि मुझे पता था कि अब सर प्राइवेट कंपनी में मैं ऑफलाइन ट्राई करता मतलब कि तो सर आई नो दैट मुझे जो पैकेज मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा सर मेरे पास जो ऑप्शन था वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑप्शन था क्योंकि यही नेशनल लेवल पर रिक्रूटमेंट केवल गवर्नमेंट जॉब्स का ही होता है प्राइवेट कंपनी का किसी का नहीं होता तो सर मैंने स्टार्ट की और सर मेरी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी थी मैं
when I used to give test series, I was usually a top rank holder, like in top 100, top 50 or top 10. But sir, gate se 3 days before, mere grandfather ki death ho gayi. And I was living at home that time. So I got very, very much, frustrated or very sad after that. So in gate 2020, my score was, my rank was around 6. Okay. Okay, Abhim, sorry, I could not hear the last thing. What you said, last line? Sir, after my grandfather was expired, so I, sir, काफी disturbed हो गया था. इस वजह से मेरे exam के performance पर भी effect पड़ा, क्योंकि मेरी test series में rank बहुत अच्छी आ रही थी, तो मुझे sir उम्मीद थी कि मैं gate में भी अच्छा करूँगा, but मैं 600 rank के आसपास अटक गया. और sir, as we all know, this competition and less number of seats, 600 rank पे कुछ नहीं हो सकता gate से. ओके, सो गेट में आपका 600 रैंक तक आया और उसके बाद आपको लगा कि ये है. लेकिन गेट और इसरो की प्रिपरेशन तो अलग होगी. अब हम अब ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनसे मैं इंटरेक्ट भी कर रहा हूँ कि गेट में आपका तो फिर बहुत अच्छा रैंक था. ऐसे भी बच्चे जिनका रैंक गेट में आया ही नहीं, कभी 1000 तक भी हिट नहीं किया, लेकिन फिर भी इसरो में हुआ है उनका. तो इसका मतलब इसरो और गेट के एग्जाम में पैटर्न में थोड़ा डिफरेंस तो है. जो सिलेबस रहता है रहता है, बट हाँ प्रिपरेशन में डिफरेंस है, क्योंकि सर इसरो के प्रिपरेशन के लिए हमें थोड़ा ईएससी के क्वेश्चंस भी करने होते हैं और थोड़ा सा सिलेबस हल्का सा वाइड है इसरो का. बाकी सर मोर और लेस जो प्रिपरेशन रहती है वो सेम रहती है. इट डिपेंड्स ऑन द टेस्ट सीरीज, व्हाट यू टेस्ट सीरीज यू गिव. हम प्रिपरेशन लेके चल सकते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज आपका थोड़ा सा कनेक्टिविटी डिसकनेक्ट हो रहा है अभी, अगर आप थोड़ा क्लोज होके या माइक में बात कर सके. थोड़ा सा डिसकनेक्टिविटी हो रहा है आपका जो आप बात कर रहे हैं. ओके, so please continue now. Sir, तो जैसे हम test series, जैसे suppose we have a day of suppose 8 घंटे दिन में पढ़ते हैं, तो हम 4 घंटे gate की preparation को दें, 4 घंटे इसरो की preparation को दें. subject material so many we have to prepare for only test series. so I don't think sir the preparation is different for either gate or isro or any PSU exam. but जो हमें pattern पर ध्यान रखना है कि क्या pattern exam का और उसके according हमें test देने हैं. अच्छा, मतलब आप, हाँ मतलब आपका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, तो आपको टेस्ट सीरीज लगा के इस तरीके से तैयारी करनी है कि आपका उस एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन होती रहे. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. ठीक है अभिम. अब मेरे को ये बताइए, हाँ तो आपका कोल इंडिया में जो हुआ था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट स्कोर? नो सर, उनका अलग से एग्जाम हुआ था. गेट 2020 वाज ऑन 4 और 5 फरवरी एंड देन कोल इंडिया एग्जाम वाज ऑन 27 फरवरी. इसरो 2020. अच्छा, अभी बच्चों का एक बहुत ज्यादा क्वेरी है कि क्या इसरो का रिक्रूटमेंट फिर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कुछ आइडिया इसमें अब आपको है? दो आप अभी ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन वैसे मैंने सोचा पूछूं आपसे, कुछ आइडिया है इसका कि इसरो रिक्रूटमेंट कब करेगा, कैसे करेगा, या कितनी फ्रिक्वेंसी होती है रिक्रूटमेंट करने की इसरो की? अब आपने तो एग्जाम दिया भी है. सर अगर हम 2019 देखें तो हर ईयर रिक्रूट करता था. 2019 में मैकेनिकल की कोई वैकेंसी नहीं आई थी, आरएसी की आई थी, तो 2019 की वैकेंसी 20 में ऐड अप करके 135 वैकेंसी निकाली. By for preparing for ISRO, they get other PSUs, so they can join these PSU and continue their preparation for ISRO. तो आपने बताया कि ISRO में अभी because नया PSU open हुआ है, क्या नाम बताया आपने नए PSU का? NSIL है and it has a full form of National Space India Limited, something like this. Okay, तो उसकी वजह से recruitment रुका है, तो उसमें तो recruitment होगा NSIL के अंदर? शायद Department of Space मैन पावर जो इसरो में है उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, कुछ दो डिफरेंट डिफरेंट पीएसयू में भेजेगा, तो इसकी वजह से नए रिक्रूटमेंट बंद कर दिए इतना सर. अच्छा, शायद. ओके ओके. अच्छा अब मेरे को अभी हम थोड़ा सा बताओ ये अपने जर्नी के बीच में जब आप प्रिपरेशन किया और ये सब किया, तो कहाँ पे चैलेंजेस कहाँ फेस किए आपने? नॉर्मली बच्चे चैलेंजेस फेस करते हैं और डिसकंटिन्यू कर देते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये फेस सबने देखा है, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने को मिलते थे? सर जब सबसे पहले मैंने ईयर में प्रिपरेशन किया था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, पहली कैंपस प्लेसमेंट जो कंपनी आई थी दैट वाज मारुति सुजुकी एंड आई अपीयर्ड फॉर हिज रिटन टेस्ट. सर मेरा रिटन टेस्ट भी नहीं निकला था, तो आई वाज वेरी डिमोटिवेटेड बिकॉज मुझे गेट में कंप्लीट करना है, वो भी 1.5-2 लाख लोगों से, और मैं 60-70 लोगों में अपना एग्जाम नहीं निकाल पा रहा, तो आई वॉज वेरी डिमोटिवेटेड. पर
but I think that okay, let's try for another company. So another company, it was also a good organization. Its name was Fiat. So I applied for Fiat. I got selected in written test. So I feel okay. I can clear the written test. जब पहली बार motivation आया कि I can clear the written test, then I applied for GD, GT. I cleared GD, GT round. Then I was again out in the interview. So that was my first interview for any organization. So I learned from that. सर जो मेन मेरा कहने का पॉइंट है कि हमसे जो गलती हो रही है उसके लिए उसको हमें लर्न करना चाहिए उससे, और कोई पहली सक्सेस है उससे सर जरूर सीखना चाहिए कि हमें इसमें सक्सेस क्यों मिली। तो सर फाइनल ईयर में मेरा गेट का परफॉर्मेंस भले ही खराब रहा था और मेरा बहुत मैट बहुत डिफिकल्ट था, पर मुझे पता था सर अब कैंपस प्लेसमेंट तो होना नहीं है। तो आई स्टार्टेड प्रिपरेशन अगेन और फाइनल ईयर में सर एग्जाम हुआ था बीआरसी का, रिटर्न का सेपरेट एग्जाम, सो दैट आई क्लियर। सो आफ्टर क्लियरिंग बीआरसी एग्जाम आई वॉज feeling quite motivated that I can clear the other exam, because BRC exam is student, so I believe that I can clear the other exam. Then I started the full preparation for GATE 2020 and other PSU exams. तो आपके मतलब exams वगैरह थोड़े थोड़े निकलते रहे और उससे confidence आता रहा आपको, right? अच्छा ये जो आपका placement नहीं हुआ था अभी हम, इसका कारण क्या लगता है आपको, वैसे क्यों place नहीं हो पाए थे आप? आपका तो CGP भी अच्छा था। मुझसे सर जो रिटन टेस्ट का सर, आई थिंक आई वाज वेरी नर्वस ऑन दैट डे, माय कॉन्फिडेंस वाज वेरी लो बिकॉज पीपल यूज्ड टू टॉक वेरी हाई थिंग्स लाइक पीएसयू एंड ऑल, एंड आई वाज नॉट वेरी मच अवेयर इन द फाइनल ईयर, सो अवेयरनेस भी ज्यादा नहीं थी। बट इंटरव्यू में मैं दो कंपनी में जो आउट हुआ था सर, आई थिंक द फर्स्ट मेन रीजन वाज दैट लैक ऑफ एनी प्रैक्टिस व्हिच आई डिड फॉर इसरो विद यू एंड अदर टीम्स। Lack of practice was one of the reasons. Second reason was that people used to tell me that you have very high CGP and company believe that you won't be in their company long-term. Company chahti hai ki tum ISRO chale jao. Ye ek reason to hota hai. Yeah. Yes, sir. Main zyada din wahan tikunga nahi. But sir, is wajah se CGP wale ko sabko le. So college mein negativity, sab log negativity comment karte the mere upar ki itna percent laake bhi nahi selection ho raha hai. तो सर तब बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड लगता था, बहुत बुरा लगता था। फिर जब मैं प्रिपरेशन फेज में गया तो मैं पूरा अंडरग्राउंड हो गया, फोन यूज नहीं करता था मैं बिल्कुल भी, फोन वाइब्रेट पे रखता था, फोन उठाता भी नहीं था, घर वालों के फोन उठाता था और जो एकदम फास्ट फ्रेंड है उनके फ्रेंड फोन उठाता था सर मैं। तो आप कितने दिन अंडरग्राउंड रहे? सर मैं 2019 जुलाई के बाद जो कोल इंडिया का एग्जाम हुआ था तब तक मैं पूरे टाइम अंडरग्राउंड ही था। फिर जब लॉकडाउन हुआ तो फिर तो सभी लोग अंडरग्राउंड हो गए थे, तो मार्च में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जिनका ड्रीम है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाने को, आपका ये वीडियो होगा तो शायद बहुत ऐसा बच्चा भी देखे जो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, या कई तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 11th 12th में होते हैं, साइंस में होते हैं, बोलते हैं हमें भी इसरो जाना है। तो आपका क्या एडवाइस है ऐसे सारे स्टूडेंट्स के लिए जो आईएसआरओ ज्वाइन करना चाहते हैं? सर सबसे पहले तो अपनी आईएसआरओ में भी सेवरल स्ट्रीम थ्रू व्हिच वी कैन मेक एंट्री, लाइक फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। तो अगर 11th 12th में कोई स्टूडेंट है तो उसे ये देखना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं मैकेनिकल फील्ड में या कंप्यूटर साइंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स में। सबसे पहले अपना इंटरेस्ट लेके, सब्जेक्ट लेके, उसके बाद सर आई थिंक दैट प्रिपरेशन कैन स्टार्ट फ्रॉम कॉलेज फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। हमें ऐसे अलग से कुछ डिफरेंट प्रिपरेशन नहीं करनी है कॉलेज में। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो जो आपको सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उस सब्जेक्ट को आप ढंग से बुक से पढ़ें, उसके क्वेश्चन लगाएं और अपने सेल्फ नोट्स बनाना सर बहुत जरूरी है। तो सेल्फ नोट्स बनाएं, और सर जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इन द फाइनल ईयर और दे आर ड्रॉप आउट, सो सर मेरा सजेशन सर आपके नोट्स है तो आप उन नोट्स की प्रैक्टिस कीजिए और टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज किसी भी एग्जाम में पहले एग्जाम निकालना जरूरी है, उसके बाद इंटरव्यू की स्टेज आती है। तो इंटरव्यू के स्टेज ये मेरा। चलो अभिम, दैट इज अ ग्रेट पीस ऑफ एडवाइस एंड आई थिंक नाउ दिस व्हाटएवर इंटरेक्शन वी हैड ये काफी बेनिफिशियल रहेगा जो सुनेंगे बच्चे उनके लिए, स्पेशली ये जो आपका सेटबैक था प्लेसमेंट में। और ऐसे बहुत सा बच्चा है जो प्लेसमेंट की ट्राई करता है जिसका होता नहीं, फिर डिमोरलाइज होता है। तो आपके एग्जांपल से उनको मोटिवेशन जरूर मिलेगा और उनको ये भी अच्छा लगेगा कि कैसे तैयारी करना है अंडरग्राउंड होके, दैट इज अ गुड थिंग एक्चुअली।
सोशल आपका थोड़ा सा वो रिड्यूस करना चाहिए सर्कल ड्यूरिंग प्रोफेशन. तो थैंक्स अ लॉट अभिम वंस अगेन एंड विश यू अ वेरी गुड रिसर्च करियर इन आईएसआरओ. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर.